हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट, और ये सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, चाहे वो IBPS PO हो, क्लर्क हो, बैंक PO हो, और इंश्योरेंस के जितने भी एग्ज़ाम्स हो, उन सभी के लिए क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बैंकिंग एग्जाम्स में एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न में चेंज करके उसको पूछा जा रहा है, तो इस तरह के पैटर्न की आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के पैटर्न की आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है सभी बैंकिंग एग्जाम्स में, प्री में और मेंस में। यहाँ पर मैं कुछ गाइडलाइंस डिस्कस करना चाहूँगा, आपको फॉलो करना होता है यदि आप किसी भी क्लोज टेस्ट को एक्यूरेसी के साथ सक्सेसफुली करना चाहते हैं। देखिए, लुक एट द कीवर्ड्स, जो पैराग्राफ दिया जाता है क्लोज टेस्ट में, उसमें कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स को आपको टारगेट करना होता है, और उन कीवर्ड्स की मदद से आप उनके आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। ये अभी मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताऊंगा कि किस तरीके से इनको करना है। कॉम्प्रिहेंड द पैसेज करेक्टली, यदि आप पैसेज को सही तरीके से समझ पा रहे हैं कि पैसेज में एक्चुअली हो क्या रहा है, या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से क्या बात कर रहा है, या जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो किस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, तो इफ़ यू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज करेक्टली, यू कैन डू इट विथ एक्यूरेसी। ठीक है, अप्लाइंग लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग को आपको अप्लाई करना है। प्रपोजिशन कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रपोजिशन के कॉम्बिनेशंस होते हैं कि किस पर्टिकुलर वर्ड के साथ कौन सा वर्ड नेचुरली कंबाइन होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्लोज टेस्ट को सही करने के लिए। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी। कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी मीन्स कि किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में किस पर्टिकुलर वर्ड का आपको यूज़ करना है। जैसे इंग्लिश का पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो जो क्लोज टेस्ट में आपको ऑप्शन मिलते हैं वो काफ़ी क्लोज ऑप्शंस मिलते हैं, इसीलिए क्लोज टेस्ट को हम क्लोज टेस्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें जो ऑप्शंस होते हैं उनके मीनिंग्स काफ़ी क्लोज रहते हैं। तो किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड मोस्ट करेक्ट होगा, ठीक है, एक होता है मोर करेक्ट, एक होता है करेक्ट, और एक होता है मोस्ट करेक्ट। तो मोस्ट करेक्ट और अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा वो आपको उसमें सेलेक्ट करना होता है। और अप्लाइड ग्रामर की जो नॉलेज है वो ज़रूरी है, तो ये सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होती हैं यदि आप किसी भी क्लोज टेस्ट को सक्सेसफुली करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लोज टेस्ट को। देखिए, एक ये क्लोज टेस्ट है, और इस तरह का क्लोज टेस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स में, प्री में और मेंस में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है और फिलर केवल 5 हैं। तो इसका पर्पज़ ये है कि एग्ज़ामिनर चाहता है कि आप इस पूरे पैसेज को अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंड करें, क्योंकि अनलाइक एसएससी में क्या होता है, ये फिलर जो होते हैं ये पास पास दिए रहते हैं। जैसे 5 लाइन का क्लोज टेस्ट है तो उसमें 5 फिलर दिए हैं, लेकिन ये क्लोज टेस्ट देखिए आप, ये क्लोज टेस्ट काफ़ी लेंदी है और नंबर ऑफ़ फिलर्स जो हैं इसमें काफ़ी कम हैं। इसका मतलब ये है कि अनलेस एंड अनटिल यू कॉम्प्रीहेंड द पैसेज फुल्ली एंड कम्प्लीटली, यू कैन नॉट सॉल्व इट प्रॉपरली। तो इस पूरे पैसेज को आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, तभी आप इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसमें नया पैटर्न क्या है, नया पैटर्न इसमें यह है कि आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन में दो वर्ड दिए हैं, जैसे पहले में दिया है ट्रस्टवर्दी और वैलिड, दूसरे में दिया है प्रिसाइज और सूटेबल। तो इस तरीके के इस समय क्लोज टेस्ट पूछे जा रहे हैं जिसमें 2 वर्ड दिए रहते हैं। तो यहाँ पर जो 5 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आपको पिक करना है, और उस ऑप्शन के दोनों वर्ड उस पर्टिकुलर ब्लैंक में सूटेबली फिल हो जाने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना है। अब देखिए, यदि आप कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं और लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करते हैं तो बिना मतलब काफ़ी कम समय में एक्यूरेसी के साथ क्लोज टेस्ट को आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से हम पढ़ते हैं एवरी स्टेप टेकन बाय द BJP गवर्नमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द GST कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विद रिगार्ड टू द टैक्स वॉज डीपली, ठीक है, चिदंबरम अलीस्ट। अब देखिए, किसी भी क्लोज टेस्ट को जब आप करते हैं तो कम से कम, यदि आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम शुरू की 4 या 5 लाइनें आपको जरूर जरूर उसकी पढ़नी चाहिए, सो दैट यू हैव ए गुड आइडिया रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ पैसेज इज, या पैसेज की टोन क्या है, पैसेज में कौन किससे बात कर रहा है, पैसेज किस बारे में है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए कम से कम 4 या 5 लाइनें, उसकी इनिशियल 4 या 5 लाइनें आपको जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम आगे तक पढ़ते हैं। चिदंबरम एलिस्ट ही क्लेम्ड दैट द गवर्नमेंट इवन इग्नोर्ड
द एडवाइस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द GST नोटेबली ऑन द रेट्स। यदि आप तीन लाइनों को एनालाइज करें तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, थे मतलब पी चिदम्बरम, तो पी चिदम्बरम इसमें एलीच कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, क्योंकि चिदम्बर एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कि अपोजिशन पार्टी है इस समय, तो डेफिनेटली वो बीजेपी को ज़्यादा प्रेज नहीं करेंगे, अपोज ही करेंगे। तो इसमें चिदम्बरम जो हैं, पी चिदम्बरम जो हैं, वो अलीच कर रहे हैं किसको, बीजेपी गवर्नमेंट को। किस बारे में अलीच कर रहे हैं, इस बारे में अलीच कर रहे हैं कि जीएसटी के बारे में इनकी जो फिलॉसफी रही है, जीएसटी के बारे में इनकी जो पॉलिसी रही है वो गलत रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक आइडिया लगाया कि पैसेज जो है इसमें पी चिदम्बरम जो है वो जीएसटी के बारे में कुछ बोल रहे हैं और जीएसटी के फॉल्ट्स यहाँ पर वो बता रहे हैं, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी में है इसलिए वो फॉल्ट्स उसके बता रहे हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो एवरी स्टेप टेकन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विद रिगार्ड टू द टैक्स वॉज डीपली, इट वॉज डीपली। अब देखिए चिदम्बरम अलीज्ड, अलीज्ड का क्या मतलब है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको गाइडलाइंस में बताया था कि कीवर्ड्स आपको देखना है, तो इसमें कीवर्ड क्या है, इस यहाँ पर कीवर्ड जो है वो अलीज है। अलीज का अर्थ होता है कि किसी के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना। जब आप आरोप लगाएंगे किसी व्यक्ति के ऊपर तो किस लिए उसको 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 ब्लेम आप करेंगे, आप उसको ब्लेम इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें कोई चीज़ गलत है या फॉल्टी है या उसमें कोई फ्लॉ है, तभी तो आप ब्लेम करेंगे, नहीं तो ब्लेम क्यों करेंगे। तो चिदम्बरम अलीज्ड, अब देखिए यहाँ पर आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए क्योंकि नेगेटिव वर्ड को ही अलीज किया जा सकता है, कॉमन सेंस यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। और चूंकि यहाँ पर वॉज डीपली, यहाँ पर लिखा है टैक्स वॉज डीपली, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर आपको एक एडजेक्टिव चाहिए, जैसे इट वॉज, जैसे आई वॉज टायर्ड, ठीक है, इट वॉज कम्प्लीट, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर्स में आपको यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन ट्रस्टवर्दी और वैलिड है। अब यहाँ पर जब एलीज वर्ड आया है तो आपको किस तरह के वर्ड चाहिए, यहाँ पर आपको नेगेटिव वर्ड चाहिए। अब यदि आप ऑप्शन देखें तो इसमें केवल डी जो ऑप्शन है और इसमें दिए हैं फ्लॉड और फॉल्टी, मतलब केवल डी में ही इसमें नेगेटिव वर्ड दिए हैं, बाकी सब में आप देखिए सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इन सारे वर्ड्स को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है और आप कॉन्फिडेंटली आंसर लगा सकते हैं फ्लॉड एंड फॉल्टी, यानी चिदम्बरम एलीज कर रहे हैं जीएसटी को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उन्होंने जो जीएसटी क्रिएट किया है, जीएसटी बनाया है, उसमें फॉल्ट्स हैं, उसमें फ्लॉ हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। एवरी स्टेप टेकन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विद रिगार्ड टू द टैक्स वॉज डीपली फ्लॉड एंड फॉल्टी चिदम्बरम एलीज। चिदम्बरम ने इस बात का आरोप लगाया कि जीएसटी जो फॉर्म किया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा वो फॉल्टी है और उसमें फ्लॉज हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ही क्लेम्ड। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत में हमने चिदम्बरम यूज़ किया और उसके बाद हमने ही उसके लिए यूज़ किया, यानी आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि शुरुआत में नाउन आएगा और बाद में उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए एक प्रोनाउन का वहाँ पर यूज़ होगा। तो ही क्लेम्ड दैट द गवर्नमेंट इवन इग्नोर्ड, अब देखिए यहाँ पर भी इग्नोर वर्ड आ रहा है, तो इग्नोर जो वर्ड है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव टोन का एक वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये इन्फर कर सकते हैं कि पैसेज की जो टोन है वो नेगेटिव है और इसमें एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की या दूसरी संस्था की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर इसका पैसेज का जो टोन है वो नेगेटिव टोन है। ही क्लेम्ड दैट द गवर्नमेंट इवन इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द जीएसटी नोटेबली ऑन द रेट्स। देखिए इसमें पांच तरह के रेट्स हैं, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको बोलते हैं और इसमें पाँच तरह के स्लैब्स बनाए गए हैं। तो चिदम्बरम ये उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की जो एडवाइस है उसको नहीं माना गया, काफ़ी एस्पेक्ट्स पर उनकी एडवाइस को नहीं माना गया, पर्टिकुलरली रेट्स का जो मामला था कि अलग अलग किस तरीके से स्लैब्स होंगे उनकी एडवाइस को भी इग्नोर किया गया। तो पूरी तरीके से ये नेगेटिव टोन यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दैट द कांग्रेस वॉज द ओरिजिनल प्रोपोनेंट ऑफ द जीएसटी एंड इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई द UPA इन 2006। यहाँ पर चिदम्बरम साहब ये बोल रहे हैं कि
जीएसटी का जो फिलॉसफी था उसको बेसिकली प्रपोज किया था, या उसके जो प्रोपोनेंट थे वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, एनडीए गवर्नमेंट नहीं थी। ओरिजिनली ये कांग्रेस ने बनाया था, ये चिदंबरम साहब इसमें कह रहे हैं। दैट द कांग्रेस वॉज द ओरिजिनल प्रपोनेंट ऑफ द जीएसटी एंड इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द यूपीए इन 2006। द फोर टाइम फाइनेंस मिनिस्टर सेड एक्सपर्ट शुड बी गिवन अ फ्री हैंड। अब देखिए यहां पर सेकंड में क्या ऑप्शन आएगा, यहां पर सेकंड के हम ऑप्शंस देखते हैं। सेकंड के ऑप्शंस देखिए, मेकिंग, क्वालिफाइंग। यहां पर देखिए क्या चाहिए आपको, यहां पर इंग्लिश ग्रामर में एक वर्ड होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि दो काम यदि एक साथ हो रहे हैं तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम आई वुड लाइक टू से, मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ऐसा करना चाहूँगा या कहना चाहूँगा, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर चिदंबरम साहब क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर एक आईएनजी फॉर्म का वर्ब चाहिए आपको। दैट द कांग्रेस वॉज द ओरिजिनल प्रपोनेंट ऑफ द जीएसटी एंड इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द यूपीए इन 2006। तो यहाँ पर एक एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें यहाँ पर इस पे इस स्टेटमेंट पर चिदंबरम साहब थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हैं कि कांग्रेस वॉज द ओरिजिनल प्रपोनेंट ऑफ द जीएसटी एंड इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द यूपीए इन 2006। तो यहाँ पर मेकिंग तो बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर वो स्टेट को एक एक अपना स्टेटमेंट को इम्फेसाइज कर रहे हैं या उसको एक एक कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेकिंग वर्ड तो आएगा नहीं। रिफ्यूट का अर्थ तो होता है कि डिनाई करना या किसी चीज़ को मानने से इनकार कर देना। रिजेक्ट भी नहीं आएगा, इग्नोर नहीं आएगा। अंडरलाइंग एंड इम्फेसाइजिंग यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि चिदम्बरम जो है वो अपनी बात को इम्फेसाइज कर रहे हैं, अपने पॉइंट को और ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, या तो अंडरलाइंग बोल सकते हैं या इम्फेसाइजिंग बोल सकते हैं। इम्फेसाइजिंग दैट द कांग्रेस वॉज द ओरिजिनल प्रपोनेंट ऑफ द जीएसटी एंड इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय द यूपीए इन 2006। द फोर टाइम फाइनेंस मिनिस्टर सेड, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है सेड, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने इस चीज़ पर इम्फेसाइज करते हुए, इस चीज़ पर इम्फेसाइज करते हुए ऐसा कहा, ठीक है। इसका मीनिंग समझिए, थोड़ा ग्रामर यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है कि इस चीज़ को इम्फेसाइज करते हुए ऐसा कहा, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ आपको करना पड़ेगा, और वो भी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बोल रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे हैं कि इम्फेसाइज कर रहे हैं या अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ई, ठीक है। इम्फेसाइजिंग दैट द कांग्रेस वॉज द ओरिजिनल प्रपोनेंट ऑफ द जीएसटी एंड इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय द यूपीए इन 2006। द फोर टाइम फाइनेंस मिनिस्टर सेड एक्सपर्ट्स शुड बी गिवन अ फ्री हैंड इन ओवरहॉलिंग द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर। अब देखिए जीएसटी जो है वो डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है, वो इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम है। तो इसलिए यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट्स को फ्री हैंड देना चाहिए, यदि आप इसको पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं, जीएसटी को ओवरहॉल करना चाहते हैं, तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं, उनको आपको फ्री हैंड देना चाहिए, ये चिदम्बरम बोल रहे हैं। तो सेकंड का आंसर होगा यहाँ पे अंडरलाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड के ऑप्शंस देखते हैं। मिस्टर फिक्सिट्स हैव बीन एट वर्क इन रिफॉर्मिंग द जीएसटी एज द ओरिजिनल प्रपोनेंट ऑफ द जीएसटी। द कांग्रेस पार्टी होप्स दैट द टास्क ऑफ थॉरली ओवरहॉलिंग द जीएसटी विल बी टू एक्सपर्ट्स। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक आप लगा सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जो टू के साथ कंबाइन हो सके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन के कॉम्बिनेशंस की अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा वर्ड चाहिए जो टू के साथ जा सके, प्लस इसका मीनिंग भी सही निकलना चाहिए, ठीक है। द कांग्रेस पार्टी होप्स दैट द टास्क ऑफ थॉरली ओवरहॉलिंग द जीएसटी विल बी टू एक्सपर्ट। किसी काम को यदि हम किसी व्यक्ति के जिम्मे में सौंपते हैं, किसी काम को यदि, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यदि हम किसी व्यक्ति के हाथों में सौंपते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट करना, ठीक है। और इंटरेस्ट के साथ हम दो वर्ड लगाते हैं, एक टू होता है और एक विद होता है। विद हम लगाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हैंड ओवर करते हैं, और टू जब हम लगाते हैं जब हम कोई चीज़ उसके एक्चुअली किसी काम को जब हम सौंपते हैं, किसी काम की जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम उसके साथ विद लगाते हैं। और किसी चीज़ को, प्रॉपर्टी वगैरह को हैंड ओवर करते हैं, तो उसके लिए हम टू लगाते हैं।
असाइन जो वर्ड है, असाइन भी सेम सेंस में यूज होता है और असाइन वर्ड के साथ भी हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर असाइन और इंटरेस्टेड वर्ड्स कैन बी यूज्ड, ठीक है। होप्स दैट द टास्क ऑफ थॉरली ओवरहॉलिंग द जीएसटी विल बी असाइन टू एक्सपर्ट, मतलब जीएसटी को ओवरहॉल करने का जो टास्क है उसको या तो इंटरेस्ट करना चाहिए या असाइन करना चाहिए किसको, एक्सपर्ट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। अब हम आगे चलते हैं। ही ऑल्सो गेव अ नंबर ऑफ सजेशंस, मतलब चिदम्बरम साहब ने सजेशंस भी दिए कि किस तरीके से इसको ओवरहॉल किया जा सकता है। ही ऑल्सो गेव अ नंबर ऑफ सजेशंस फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम, इंक्लूडिंग कि किस तरीके से इसको अच्छे तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस बारे में उन्होंने सजेशन दिए। और इंक्लूडिंग ब्रिंकिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर इट्स, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम अंडर इट्स ला सकते हैं। अब अंडर इट्स वॉट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का क्या होगा? देखिए आप यहाँ पर कॉमन सेंस और लॉजिकल रीजनिंग आपको अप्लाई करनी है। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होंगे उसकी बाउंड्री तो होगी नहीं, जैसे यहाँ पर दिया है स्फीयर, बाउंड्री, बाउंस, पेरीमीटर। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सपोज पेट्रोल है, तो उसकी क्या होगी, उसकी प्राइसिंग की एक रेंज होगी कि पेट्रोल प्राइस जो होना चाहिए वो 60-80 के बीच में होना चाहिए, 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम किस तरीके से उसकी उसकी एक जो एवरेज रेंज है, एक जो एवरेज एम्बिट है, उसमें हम उसको ला सकते हैं। तो फोर्थ में जो प्रोडक्ट, फोर्थ में जो आंसर होगा आपका वो होगा एम्बिट या रेंज, क्योंकि स्फीयर का कोई सेंस ही नहीं है, आप कैसे भी लगाइए इसको, बाउंड्री का कोई सेंस नहीं है, बाउंड्स का कोई सेंस नहीं है, पेरीमीटर, ये चारों ही वर्ड एक ही मीनिंग को इम्प्लाय करते हैं, एक ही मीनिंग को कन्वे करते हैं, तो इसलिए ये चारों यहाँ पर पूरी तरीके से रॉन्ग हैं। और एम्बिट आप बोल सकते हैं, एम्बिट और रेंज का मतलब एक ही होता है। अंडर इट्स एम्बिट द टैक्स रेट शुड बी ग्रेजुअली रिड्यूस टू ए सिंगल रेट विद, मतलब टैक्स रेट्स को जैसे 28% है, 18% है, 12% है, 5% है, उसको धीमे धीमे नीचे लाना चाहिए। द टैक्स रेट शुड बी ग्रेजुअली रिड्यूस टू ए सिंगल रेट, एक रेट होना चाहिए कि सारी सर्विसेज पर, सारी गुड्स पर 12% लगेगा, 5% लगेगा, इस तरीके से एक कंसिस्टेंट रेट होना चाहिए। तो फिफ्थ में हम क्या लगा सकते हैं, फिफ्थ में हम ऑप्शन देखते हैं कि टैक्स रेट शुड बी ग्रेजुअली रिड्यूस टू ए सिंगल रेट विद फॉर ट्रूली मेरिट एंड सर्विसेज दैट एड्स टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर आप देखिए कीवर्ड क्या है, वेलफेयर, मतलब ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिससे समाज का भला होता है, जो समाज के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनको थोड़ा बहुत रिवेट आप उसमें दे सकते हैं। मेरिट गुड्स एंड सर्विसेज, जो अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको आप उसमें थोड़ा सा एक रियायत दे सकते हैं, एक रिवेट दे सकते हैं। तो टैक्स के सेंस में जब हम रियायत देते हैं या रिवेट देते हैं, तो उस सेंस में जो कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी है वो कौन सी यूज होती है? प्रिविलेज यूज नहीं होती, टैक्स प्रिविलेज हम नहीं बोलते, टैक्स के साथ इम्प्यून वर्ड नहीं आता, हालांकि इम्प्यून का अर्थ भी इम्यूनिटी होता है, लाइबिलिटी वर्ड नहीं आता, टैक्स लाइबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम ये दे रहे हैं कि उनको कुछ रिवेट देनी चाहिए जो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं जिससे समाज का भला होता है। तो टैक्स के साथ रियायत जब हम देते हैं, रिवेट जब हम देते हैं, तो उस सेंस में जो सही वर्ड है वो है एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन और एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब हम इन मेरिट गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, उनको हम कम रेट अप्लाई कर सकते हैं या उनके लिए हम टैक्स एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्पेंसेशन वर्ड भी होता है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, लेकिन रिवेट वर्ड जो होता है जनरल सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जो मोस्ट करेक्ट जो आंसर होगा आपका वो होगा एग्जेम्पशन एंड एक्सेप्शन, यहाँ पर फिफ्थ में। फॉर ट्रूली मेरिट गुड्स एंड सर्विसेज दैट एड्स टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ही सेड एडिंग दैट ए सिंगल रेट मस्ट नॉट एक्सीड 18%, मतलब जो सिंगल जो रेट है वो 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक रेट होना चाहिए और वो 18% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इन क्लोज टेस्ट को आपको सॉल्व करना है। और इस तरह के वीडियो क्लासेस के थ्रू यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है घर बैठे तैयारी करने के लिए बैंक प्रो। ये एक ई क्लासेस कोर्स है, इसको आप मोबाइल पर, लैपटॉप पर या पीसी पर आप घर बैठे देख के इसको आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस कोर्स को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, IBPS, PO, क्लर्क, इंडियन बैंक के लिए, और सभी का कंटेंट इसमें आपको इंग्लिश का और करंट अफेयर्स का दिया जाता है। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप पेमेंट गेटवे पर जाके इसको पेमेंट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।
और कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी डाउट है, तो इन नंबर्स पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर आप दे सकते हैं और इन नंबर्स के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।